अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ऑडियंस सिक्योरिटी शॉप। आज काफ़ी अर्से बाद मैं न्यू वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि एक नई प्रोडक्ट आई है और ये एप्लीकेशन भी डिफरेंट है। पहले मैं ज़्यादातर जो वीडियोस अपनी बना चुका हूँ वो V380 एप्लीकेशंस पे चलती थी। ये वाली प्रोडक्ट कैसा कॉप एप्लीकेशन, एक न्यू एप्लीकेशन है और बहुत ही एडवांस्ड और कम्प्लीट फीचर्स के साथ है। तो मैं साथ साथ आपको प्रोडक्ट फीचर्स भी बताऊंगा और एप्लीकेशन के फीचर्स भी बताता जाऊंगा साथ। सबसे पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। आप ये देख सकते हैं इसके बाहर लिखा हुआ है वायरलेस कैमरा स्मार्ट, और ये इसका मॉडल नंबर हाईटेक 2MP लिखा हुआ है। ये इसके फीचर्स लिखे हुए हैं, अब नॉर्मल अलार्म है, कमर्शियल इंक्रिप्शन है, इंफ्रारेड नाइट विजन, मोशन डिटेक्शन। अच्छा, ये जो मॉडल है ये ड्यूअल नाइट विजन के साथ है। आपको ये बाहर शक्ल बनी नज़र आ रही है, अंदर से थोड़ा सा ये डिफरेंट है। तो हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और अनबॉक्सिंग करते हैं। सबसे पहले आप इसके अंदर देखें तो ऊपर इसका ये स्टैंड है। आप ये स्टैंड इस तरह कह के इसको सीलिंग पे भी लगा सकते हैं और दीवार दीवार पर भी लगा सकते हैं। ये इसकी पावर केबल, ये इसका पावर अडाप्टर, ये इसके स्क्रूज़, ये इसके यूज़र मैनुअल, और अब हम निकाल लेते हैं कैमरा बाहर। बड़ा स्लिम स्लीक सा स्मॉल सा डिज़ाइन है इसका। ये आ गया कैमरा, आपको इसकी डिज़ाइन दिखा देता हूँ। ये बहुत स्लिम सा है, छोटा सा कैमरा है हमारा, हाईटेक का लोगो। ये नीचे से इसका स्टैंड लगाने की जगह, ये इसकी पावर केबल। यहाँ पर नीचे अगर आप करके देखें तो ये इसका रीसेट बटन है, रीसेट लिखा भी हुआ है। ये इसका मेमोरी कार्ड स्लॉट है, यहाँ पे आप माइक्रो एसडी कार्ड लगा सकते हैं 128 GB तक। आपने ओरिजिनल क्लास 10 मेमोरी कार्ड लगाना है, जो मैंने यहाँ पर रखे भी हुए हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ। तो साइड पर देते हैं, मेमोरी कार्ड जो है वो आपने किसी भी कंपनी के अगर लें तो ओरिजिनल क्लास 10 के होने चाहिए। अगर आप वो कंप्रेस कार्ड ले लेंगे वो मोबाइल्स में तो चले जाते हैं लेकिन कैमरास में सही नहीं चलते। तो हमारे स्टोर पे ऑलरेडी मौजूद है हाइक्विजन, हाइक्सेमी, धावा, ये तीन ब्रांड्स हम डील कर रहे हैं एसडी कार्ड्स में। जो हमारे रेगुलर कस्टमर थे वो तो इनके बारे में जानते होंगे, जो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं ये बता देता हूँ कि ये इस तरह के कार्ड्स 32 GB, 64 GB, 128 GB हमारे स्टोर पर मौजूद है। तो ये होगी जी अनबॉक्सिंग। अब हम कैमरा के फीचर्स और एप्लीकेशन के फीचर्स आपको बताते हैं जी। तो व्यूअर्स, अनबॉक्सिंग कर ली हमने कैमरा की, अब हम देखेंगे इसको मोबाइल के साथ कैसे कनेक्ट करना है। मोबाइल के साथ कनेक्ट करने के 2 से 3 तरीके हैं। सबसे पहला और आसान तरीका कि आप डायरेक्ट कैमरे के हॉटस्पॉट से अपना मोबाइल अटैच कर लें बग़ैर किसी इंटरनेट के। उसका एक फ़ायदा ये है कि आपको इंटरनेट ज़रूरी नहीं है, और एक नुकसान ये है कि आप इसे दूर जाके अपने मोबाइल पे नहीं देख सकेंगे। डायरेक्ट कैमरा कनेक्ट करने से आप इसको मोबाइल पे सिर्फ 30 फुट दूर तक देख सकते हैं। इसको हम कहते हैं हॉटस्पॉट कनेक्शन, डायरेक्ट हॉटस्पॉट कनेक्शन। दूसरा तरीका है कि आप इसको अपने वाईफाई के साथ पेयर कर लें। जहाँ पे भी आपने कैमरा अटैच करना है, अपने ऑफिस में, घर में, फैक्ट्री में, शॉप पे, वहाँ पे आपका कोई ना कोई वाईफाई चल रहा होगा। आप उस वाईफाई के साथ इसको पेयर करके उसके बाद आप मोबाइल जहाँ मर्ज़ी ले जाएं, मोबाइल के ऊपर जो सा मर्ज़ी डाटा यूज़ करें, कैमरा एक बार वाईफाई से पेयर हो गया तो फिर आप उसे दुनिया में कहीं भी जा के देख सकते हैं। तो ये 2 कॉमन मेथड्स हैं जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं। तीसरा मेथड एक लैन पोर्ट वाला होता है, वो हर मॉडल में अवेलेबल नहीं होती, इसलिए इस और इस मॉडल में भी नहीं है क्योंकि मैंने आपको अभी अनबॉक्सिंग में दिखाया था। तो लैंड पोर्ट वाला मेथड मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है इस मॉडल में। तो 2 मेथड्स हम इसमें स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एप्लीकेशन बता देता हूँ कौन सी है और उसको रजिस्टर कैसे करना है, क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन जब आप पहली बार इंस्टॉल करते हैं तो उसको रजिस्टर करना लाजमी होता है। इसी तरह V380 में था, V380 में भी रजिस्टर करना ज़रूरी है अगर आप इसको शेयर करना चाहते हैं किसी और मोबाइल के साथ भी। और चलें रजिस्टर करने का तरीका देखते हैं।
सबसे पहले अपने मोबाइल में आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेनी है प्ले स्टोर में जाके। अगर आपका एंड्रॉयड आईफोन है तो आपने आईट्यून स्टोर में जाके वहाँ पे आपने लिखना है कैसा कोप ऐप आप लिखेंगे तो ये सामने इंस्टॉल लिखा आ रहा होगा। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैंने ओपन पे क्लिक कर दिया। जब आप ओपन करेंगे तो फर्स्ट टाइम इसका पेज इस तरह आपको शो होगा, जिसमें आपसे ये ईमेल या फ़ोन नंबर मांग रहा है और कह रहा है लॉग इन करें। या दूसरा तरीका, अदर्स वे टू लॉग इन में वी चैट है। अगर आप वी चैट यूज़ करते हैं जो कस्टमर्स, तो वो डायरेक्टली यहाँ से वी चैट के थ्रू लॉग इन कर सकते हैं, उनको रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़्यादातर के पास वी चैट नहीं होता, तो हम रजिस्टर करने का तरीका देख लेते हैं। हालांकि इसमें इसने लिखा हुआ है ईमेल या फ़ोन नंबर, लेकिन फ़ोन नंबर पाकिस्तान के लिए अभी फ़िलहाल ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, ये चाइनीज़ कस्टमर्स के लिए है, तो हम ईमेल वाला मेथड यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले ये जो आपको रजिस्ट्रेशन एग्रीमेंट नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने ईमेल के ऊपर क्लिक करना है, और ईमेल में आप कोई भी अपनी ईमेल आईडी जो आप अपने मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं वो इसमें आपने एंटर करनी है। क्योंकि जब मैं ईमेल आईडी इसमें एंटर कर दूंगा तो मुझे उस पे फिर एक पासवर्ड आएगा, वो पासवर्ड मैं इसमें एंटर करूंगा तो फिर ही मेरी आईडी रजिस्टर होगी, वरना रजिस्टर नहीं होगी। जैसे मैंने अपनी एक ये टेस्टिंग आईडी बनाई हुई है दराज कस्टमर 51 के नाम से, इसके कंफर्म पे मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद ये आपसे वेरिफिकेशन मांग रहा है कि कहीं आप कोई रोबोट तो नहीं है, ह्यूमन ही है ना। तो ह्यूमन टेस्ट के लिए वो आपसे कह रहा है कि ये सर्कल के अंदर से गुजार के इसको टेनिस के ऊपर लेके जाएं, ताकि ये वेरिफिकेशन कर ले कि ह्यूमन ही रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश कर रहा है, कोई फेक अकाउंट बनाने की कोशिश नहीं कर रहा। जब आप ये कर लेंगे, इसके बाद आप अपनी जीमेल आईडी ओपन करेंगे। आपकी जीमेल आईडी में आपको इसका पासवर्ड आ जाएगा, जैसे मुझे ऊपर एक ईमेल आ चुकी है अकाउंट एक्टिवेट की। आप ये देख सकते हैं मेल एक्टिवेट की एक ईमेल आई हुई है, उसको मैं ओपन करूँगा। उसमें एक पासवर्ड लिखा होगा, वो पासवर्ड यहाँ से नोट करके मैंने उस पेज पे लिखना है 471879, ये वेरिफिकेशन कोड है 471879। अब यहाँ पे मैंने पासवर्ड कोई भी अपनी मर्ज़ी का लिखना है, तो आप इसमें ये अपने जहन में रखना है कि इसमें अल्फ़ाबेट भी होने चाहिए, न्यूमेरिक कैरेक्टर्स भी होने चाहिए, मतलब नंबर्स भी होने चाहिए, और साथ इसमें एक लेटर आपने कैपिटल रखना है। तो मैं एक अलग से पासवर्ड रखता हूँ। जी, तो पासवर्ड रखने के बाद आप इधर नीचे देख भी रहे हैं, ये आपसे कह रहा है कि पासवर्ड 6 से 20 डिजिट का होना चाहिए, जिसमें नंबर, सिंबल्स और लेटर्स आपने यूज़ करने हैं। उसके बाद कंफर्म पे क्लिक करना है। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आपने ये जहन में रखना है कि ऊपर से वेरीफाई कर लें कि पासवर्ड दो ऊपर और नीचे सेम है। अच्छा जी, उसके बाद आपने कंफर्म पे क्लिक करना है। कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी आईडी रजिस्ट्रेशन और कंप्लीट हो जाएगी, और आपको ये लॉगिन कर देगा। अब ये एप्लीकेशन के अंदर आ चुका है, ये एप्लीकेशन का इंटरफेस है, मेन इंटरफेस ही है। जब आप लॉगिन करके फर्स्ट टाइम इसके अंदर एंटर होंगे, ये हो गया आईडी रजिस्टर करने का तरीका। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कैमरे को मोबाइल से कनेक्ट कैसे करना है। जैसे मैंने बताया दो तरीके हैं, तो पहले हम मोबाइल हॉटस्पॉट वाला तरीका यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद वाईफाई वाला तरीका यूज़ करेंगे। तो चलिए, उसके लिए सबसे पहले मोबाइल से कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम कैमरा ऑन कर लेते हैं। कैमरा ऑन करने के लिए आप इसको दो तरीक़ों से ऑन कर सकते हैं। एक तो आप 220 इसको 25 वोल्ट अडाप्टर के ज़रिए कनेक्ट कर सकते हैं। कैमरा कनेक्ट ऑन करने के लिए आप इसको 5 वोल्ट अडाप्टर के साथ ऑन कर सकते हैं, 220 बिजली देकर जो कि इसके अंदर से निकलता है, मैंने आपको अनबॉक्सिंग में दिखाया था। या दूसरा तरीका, आप इसको मोबाइल पावर बैंक से भी अटैच कर सकते हैं, जैसा कि इस केस में मैं करने लगा हूँ इसको मोबाइल पावर बैंक के ज़रिए, क्योंकि मुझे नज़दीक जहाँ पे मैं हूँ यहाँ पे बिजली इस वक्त नज़दीक नहीं है, इसलिए मैं इसको पावर बैंक के थ्रू पावर दे रहा हूँ।
पावर ऑन करने के बाद ये इसकी लाइट एक दो सेकंड्स के लिए ऑन होती हैं, उसके बाद ये रोटेट करता है, और रोटेशन कंप्लीट करने के बाद इसमें से आवाज़ आती है वाईफाई कनेक्शन मोड। जब इस कैमरा में से वाईफाई कनेक्शन मोड की आवाज़ आ जाएगी, उसके बाद आपने मोबाइल एप्लीकेशन ओपन करनी है और फिर कैमरा ऐड करना है। स्टार्ट कॉन्फ़िगरेशन मोड की आवाज़ इसमें से आ गई, इट मीन्स अब कैमरा एक्टिवेट हो गया है, हम इसको अपने मोबाइल पे ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जी मैं आपको पहला तरीका बताता हूँ, जो कि है हॉटस्पॉट मोड। हॉटस्पॉट मोड का मतलब कि हम कैमरे को डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे मोबाइल के साथ बगैर इंटरनेट के। उसके लिए आपने ये प्लस के साइन पे क्लिक करना है, उसके बाद कंफर्म पे क्लिक करना है। ये आपसे फर्स्ट टाइम कुछ परमिशंस मांगेगा, वो परमिशंस आपने अलाउ कर देनी है। जब आप परमिशंस दे देंगे तो आपसे आगे ये ब्लूटूथ एनेबल करने का कह रहा है, आपने इसको कैंसिल कर देना है। ब्लूटूथ एनेबल करने की ज़रूरत नहीं है, या एनेबल कर भी देंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं इसको एनेबल कर ही देता हूँ। उसके बाद आपने ये जो अदर वेज टू ऐड Searching for लिखा आ रहा nearby है, devices. Please wait. इसमें से साउंड आएगी कि सर्चिंग फॉर नियरबाई डिवाइसेस। No अगर तो nearby आप devices इसको are found. डायरेक्टली Please हॉटस्पॉट से scan the कनेक्ट QR code करना on the चाह रहे device हैं तो to add. आप क्यूआर कोड स्कैन नहीं करेंगे। डायरेक्ट हॉटस्पॉट से कनेक्ट करने के लिए नीचे आप देखें तो अदर वेज टू ऐड लिखा आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद तीन ऑप्शन शो करेगा, उसमें से आपने कनेक्टिंग कैमरा हॉटस्पॉट टू ऐड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये गेट इट पे क्लिक करेंगे। ये आपसे कह रहा है कि कैमरा रीसेट कर लें, कैमरा ऑलरेडी रीसेट है, और ये डिवाइस लाइट इज़ ब्लिंकिंग पे क्लिक कर लें। इसमें इस मॉडल में लाइट नहीं है, लेकिन आप फिर भी इसको टिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा कि आप वाईफाई डिवाइस अपनी सेलेक्ट करें। यहाँ पे प्रोसीजर थोड़ा सा हमने चेंज करना है। अभी मैं फ़िलहाल आपको बता रहा हूँ कि आपने डायरेक्टली कैमरे को कैसे कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल हम वाईफाई से पेयर नहीं करेंगे, तो आप इधर राइट कॉर्नर पे देख रहे हैं कि वाईफाई कनेक्शन लिखा आ रहा है, इस पर क्लिक करूँगा तो इसमें दो ऑप्शन आती हैं, वाईफाई कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन। तो मैं डायरेक्ट कनेक्शन सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद ये आपसे कह रहा है यू कैन ओनली कनेक्ट द कैमरा व्हेन योर फ़ोन इज़ क्लोज टू द कैमरा। वही बात जो मैंने आपसे बताई कि जब आप नज़दीक होंगे तभी देख सकेंगे, दूर से नहीं देख सकेंगे। उसके बाद मैं नेक्स्ट करूँगा, उसके बाद ये कैमरा कहेगा कि आपकी मैंने डिवाइस ऐड कर दी है आपके एप्लीकेशन में, आप अपनी डिवाइस का नाम रख लें। मैं लिविंग रूम सेलेक्ट करके कंफर्म पे क्लिक करूँगा, डिवाइस ऑलरेडी एडेड, और इस पर कुछ सेकंड्स के बाद ये मेरा कैमरा सामने ऐड हो जाएगा। अब मैं इसको प्ले पे क्लिक करूँगा। प्ले पे क्लिक करने के बाद अच्छा, अब मैं इसको प्ले पे क्लिक करूँगा। प्ले पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे लाइव व्यू दिखाना शुरू कर देगा। लेकिन इस दौरान आपने ये एक बात जहन में रखनी है कि आप अपने मोबाइल डाटा आपने क्लोज़ कर लेना है। अगर आप मोबाइल डाटा ऑन रखेंगे इस दौरान तो ये आपको व्यू नहीं दिखाएगा, एरर दे देगा। मोबाइल डाटा ऑफ रखना ज़रूरी है इस दौरान, और लोकेशन आपके उसकी ऑन होनी चाहिए मोबाइल की। अच्छा जी, तो ये व्यू आ गया इसका, बाई डिफ़ॉल्ट ये एसटी पे होता है। इसको थोड़ा सा बेहतर करने के लिए हम यहाँ से एचडी सेलेक्ट करते हैं, तो ये पिक्चर जो है वो मज़ीद क्लियर हो जाएगी। इसमें मैं आपके जो डिफरेंट ऑप्शन मौजूद हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। अभी मैंने एसडी को एचडी पे शिफ्ट किया, ये लाइव ऑडियो सुनने के लिए है। यहाँ से आप कैमरे के सामने अगर कोई भी बोल रहा होगा तो उसकी आवाज़ सुन सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं। स्नैपशॉट लेने के लिए आपसे परमिशन मांगेगा, स्नैपशॉट क्लिक करेंगे तो ये आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। आप लाइव वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, जब तक आपकी ये स्क्रीन ओपन रहेगी ये इसकी वीडियो रिकॉर्ड करता रहेगा, और जब आप ये स्क्रीन बंद कर देंगे या इसको ऑफ़ कर देंगे तो ये रिकॉर्डिंग सेव कर देगा आपकी गैलरी में। यहाँ से आप इसकी स्क्रीन लार्ज कर सकते हैं, ये लार्ज करने से आपको फुल व्यू दिखा रहा है इसका, कि ये साइडों से कितना कवर कर रहा है एरिया और इसका रिजल्ट कैसा है। यहाँ पे सायरन का आइकन भी है, अगर मैं इस पर सायरन पे क्लिक करूँगा तो कैमरे में से सायरन की आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। अगर
अगर आप कैमरे के सामने से किसी को हटाना चाहते हैं, उसको अलर्ट करना चाहते हैं, तो ये सायरन आप यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं। ये सायरन बाहर मेन स्क्रीन पर नीचे भी ऑप्शन बनी हुई है। ये जो इवेंट्स हैं, इवेंट्स का मतलब है कि अगर आपने इसमें माइक्रो एसडी कार्ड लगाया हुआ है तो उसमें जो मोशन रिकॉर्डिंग सेव हुई हुई है वो यहाँ से आपको दिखा देगा। उसके अलावा इसमें प्रीसेट्स की ऑप्शन है। प्रीसेट की ऑप्शन का मतलब है कि आप इसमें डिफरेंट पॉइंट सेट कर सकते हैं कैमरा को मूव करने के लिए। मतलब अगर आपने होम है तो होम में आप एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर का एरिया सेलेक्ट करके इसमें सेव कर सकते हैं, और सिंपली यहाँ से प्रेस करेंगे तो दूसरे कॉर्नर पे ऑटोमेटिकली पहुँच जाएगा। इसके अलावा मोर में देख लेते हैं क्या क्या है। मोर में इसके चार पांच फंक्शंस हैं। मोशन ट्रैक है, मोशन ट्रैक सॉरी मोशन डिटेक्शन है। मोशन डिटेक्शन का मतलब है कि ये जब भी कोई कैमरे के आगे मोशन होगी उसको सेव करना शुरू कर देगा, या जब आप इस मोशन डिटेक्शन के साथ मोशन ट्रैकिंग की ऑप्शन भी ऑन कर देंगे तो जब भी कैमरे के आगे कोई मूवमेंट होगी ये कैमरा उस मूवमेंट की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। जैसे हम इसका भी एक थोड़ा सा डेमो देख लेते हैं। ये जैसे जैसे पर्सन इसके सामने मूव करेगा ये कैमरा उसके उसके पीछे जाना शुरू कर देगा, उसको ट्रैक करना शुरू कर देगा। इसे कहते हैं ऑटो ट्रैक। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे सामने बच्चा मूव कर रहा है ये कैमरा उसकी तरफ मूव कर रहा है। तो ये इसकी मोशन ट्रैक ऑप्शन है। इसकी एक्यूरेसी 70-80% होती है, ये 100% एक्यूरेसी नहीं होती। फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए ख़ास तौर पर ये इतना काम नहीं करता, तो मैं तो रिकमेंड नहीं करता अपने कस्टमर को आप इसको एक्टिव करें। ये वहीं पे करनी चाहिए जहाँ पे कोई नहीं जाता हो, और जब वो जाए तो उसको ट्रैक करे। जहाँ पे बहुत ज़्यादा आना जाना लोग होगा वहाँ पे इसको एक्टिवेट नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, मोशन डिटेक्शन और मोशन ट्रैक हो गया। क्रूज़, अच्छा ये क्रूज़ का जो फंक्शन है ये V380 में नहीं है। ये मुझे फंक्शन बहुत पसंद आया है इसका, ये और किसी भी एप्लीकेशन में नहीं है। इवन के जो हाई क्वालिटी ब्रांड्स हैं, जैसे क्रूज़ का फंक्शन सिर्फ एक ऐसा कब एप्लीकेशन में है। अब क्रूज़ में ये करता क्या है कि ये एक पॉइंट पे अपने आप मूव करता है। फर्स्ट करें ये राइट से शुरू होगा तो 10 सेकंड एक पॉइंट पे रुकेगा, फिर 10 सेकंड के लिए अगले पॉइंट पे रुकेगा, फिर 10 सेकंड के लिए उससे अगले पॉइंट पे रुकेगा। तो जब इसकी रोटेशन कंप्लीट हो जाएगी तो ये वापस से फिर उसी डायरेक्शन में आना शुरू करेगा 10-10 सेकंड के वक्फे से, क्रूज़ को एक्टिवेट करके रखने से। तो ये क्रूज़ आना एक्टिवेट कर देते हैं। ये PTZ कैलिब्रेशन है, अगर आपकी कोई PTZ कैलिब्रेशन आउट हो गई है तो यहाँ से कर सकते हैं। ये इसकी इंफ्रारेड नाइट विजन की सेटिंग्स हैं। इंफ्रारेड नाइट विजन के तीन मोड्स हैं इस वक्त। ये इंफ्रारेड नाइट विजन मतलब ब्लैक एंड वाइट व्यू पे है। ऑटो का मतलब है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक एंड वाइट पे जाएगा, और जब इसके आगे कोई मूवमेंट होगी तो ये कलर पे शिफ्ट हो जाएगा। और कलर नाइट व्यू का मतलब है कि जब भी अंधेरा होगा ये डायरेक्टली कलर नाइट व्यू पे शिफ्ट हो जाएगा। नाइट व्यू का सेटिंग्स में आगे जाके आपको चेक भी करवाऊंगा इसका नाइट व्यू का रिजल्ट कैसा है। अभी फ़िलहाल हम इसको कनेक्ट करने का तरीका देख रहे हैं। अभी फर्स्ट तरीका मैंने आपको बता दिया कि आपने इसको डायरेक्टली हॉटस्पॉट के साथ कैसे कनेक्ट करना है, कैमरे के हॉटस्पॉट के साथ। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ आपने इसको अपने वाईफाई के साथ कैसे पेयर करना है। वाईफाई से पेयर करने के लिए दो तरीके हैं। यहीं से अगर आपने पहले डायरेक्टली कनेक्ट कर लिया है तो आप यहां से ही इसको वाईफाई से भी पेयर कर सकते हैं। उसके लिए ये आप ऊपर देख रहे हैं ये 3 डॉट बने हुए हैं, इस पर क्लिक करें। उसके बाद आप सेटिंग्स में जाएं। जो V380 कैमराज यूज़ करते हैं वो इस ऑप्शन को उन्हें ऑलरेडी पता होगा। इसमें जाने के बाद आपने जाना है स्टोरेज एडवांस सेटिंग्स में। एडवांस सेटिंग्स में है कनेक्ट न्यू वाईफाई। कनेक्ट न्यू वाईफाई पे आपसे कह रहा है कि इनपुट करें। इनपुट पे आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपका वाईफाई होगा उसको यहाँ पे शो कर देगा, और वाईफाई जब जो भी आपका वाईफाई होगा उसके सिग्नल यहाँ पे शो कर देगा। वाईफाई सेलेक्ट करें आप और ऊपर उसका पासवर्ड लिखें जो भी आपके वाईफाई का पासवर्ड हो। वाईफाई के पासवर्ड में कोई गलती नहीं होनी चाहिए वरना ये एरर दे देगा और कनेक्ट नहीं करेगा। या आपने रिकन्फर्म कर लेना है यहाँ से आई के बटन पे क्लिक करके, अगर आप श्योर नहीं है तो कन्फर्म पे क्लिक करें। कैमरा में से आवाज़ आएगी वायरलेस सेटिंग प्लीज़ वेट, और अगर सक्सेसफुल कनेक्शन हो जाएगा तो सक्सेसफुल की ये साउंड दे देगा। आप सुन सकते हैं कि कैमरे में से वायरलेस कनेक्शन इज सक्सेसफुल का साउंड आ गया। इसका मतलब अभी मेरे वाईफाई से पेयर हो चुका है। अगर मैं आप
पर आपको दिखाऊँ तो ये टीपी लिंक के साथ इस वक्त कनेक्टेड है, और अब हम इसको प्ले करते हैं तो ये मेरा लाइव व्यू अब मेरे इंटरनेट पे चल रहा है। तो वाईफाई से कनेक्ट करने का ये पहला तरीका हो गया। वाईफाई से कनेक्ट करने का एक दूसरा तरीका भी है, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। बस अब मैं आपको कैमरे को वाईफाई के ज़रिए कनेक्ट करने का तरीका बताऊँगा। सबसे पहले आपने ये प्लस के निशान पे क्लिक करना है, और अब आपने इस बार इसको क्यूआर कोड को Searching for स्कैन करना nearby है। ये devices. आपने Please क्यूआर wait. कोड इसका ऊपर बना होता है, ये क्यूआर कोड स्कैन No करें। nearby devices are found. Please scan the QR. क्यूआर कोड जब स्कैन हो जाएगा तो ये स्कैन कोड सक्सेसफुली का आपको मैसेज दे देगा और नेक्स्ट स्क्रीन पे चला जाएगा। उसके बाद आपने ये गेट इट पे क्लिक करना है और डिवाइस लाइट इज़ ब्लिंकिंग पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपसे कह रहा है कि अपना वाईफाई चूज़ करें, और ये आपको ऊपर बता भी रहा है कि ये सिर्फ 2.4 की गार्ड्स को सपोर्ट करता है कैमरा, 5 की गार्ड्स राउटर्स को सपोर्ट नहीं करता। तो अगर आपका 5 की गार्ड्स राउटर है तो इसको सपोर्ट नहीं करेगा। हाँ, अगर ड्यूअल बैंड है तो ड्यूअल बैंड में से आप 2.4 गीगा वाले भी इसको चला सकते हैं, और आजकल नॉर्मली ज़्यादातर राउटर्स ड्यूअल बैंड ही आते हैं। सबसे पहले आपने अपना वाईफाई सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे एंटर कर देना है, और वाईफाई आपका ऑलरेडी आपके मोबाइल के साथ अटैच होना चाहिए वो वाला। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपसे कह रहा है कि आप कैमरा को डिवाइस के सामने लाएं ताकि इसमें से साउंड की आवाज़ आ सके। तो उसके लिए आप इस पे क्लिक करें ताकि क्यूआर कोड बड़ा हो जाए, और इसको इसकी ये आप देख सकते हैं कि इसमें से बीप की आवाज़ आ गई है, और ये आपसे नेक्स्ट पेज पे आपने हार्ट पे क्लिक कर देना है ताकि ये नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस पे चला जाए। नेक्स्ट ये आप सिर्फ वेट करेंगे और ये खुद ही आपके वाईफाई से कैमरा को पेयर कर देगा। वायरलेस कनेक्शन एक सक्सेसफुल का साउंड आ गया और 100% हो गया है। अब आप कैमरे का नाम रख के कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो कैमरा आपका ऐड हो जाएगा। ये अब कैमरा ऐड हो चुका है, और ये आप सामने इसका व्यू देख सकते हैं कि ये मेरे वाईफाई के साथ पेयर हो चुका है। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए इसको वाईफाई से पेयर करने के। अब मैं आपको इसको इसका नाइट विजन रिज़ल्ट दिखाता हूँ। उसके लिए मुझे लाइट्स क्लोज करनी पड़ेंगी। जी, तो आप देख सकते हैं कि ये सामने बिल्कुल डार्क है इस वक्त, बल्कि मेरी वीडियो में आप भी देख सकते हैं कि अंधेरा हुआ हुआ है, लेकिन कैमरा जो है वो बिल्कुल क्लियर व्यू दिखा रहा है ब्लैक एंड वाइट में। आप सामने देख सकते हैं डार्क होने के बावजूद भी इसमें चीज़ें नज़र आ रही हैं, और अगर कोई पर्सन इसके सामने आएगा तो आप उसका फेस भी पहचान सकेंगे। और ये जो वाईफाई कैमराज होते हैं इनकी जो रेंज है वो 20 मीटर होती है रात के वक्त, मतलब 60 फुट तक कवर करते हैं, और जो फेस डिटेक्शन रेंज होती है इनकी वो 25 से 30 फुट होती है। 25-30 फुट के अंदर आप पर्सन का फेस पहचान सकते हैं। कहा था कि ये ड्यूअल नाइट विजन है इसमें, मतलब ब्लैक एंड वाइट भी है और कलर नाइट विजन भी है। तो उसके लिए मैं आपको अभी इसके फंक्शंस दिखा देता हूँ। जब आप मोर पे क्लिक करेंगे तो इस बाय डिफ़ॉल्ट ये इंफ्रारेड पे होता है। मैं इसको अब कलर नाइट विजन पे शिफ्ट करूँगा। कलर नाइट विजन पे शिफ्ट करने से आप देख सकते हैं कैमरे की जो अपनी लाइट्स हैं वो ऑन हो गई हैं, और कैमरा जो है वो कलर नाइट विजन पे शिफ्ट हो गया है। और इसके सामने आप जो भी आएगा तो आप उस देखेंगे कि उसका फेस जो है वो कलरफुल शो हो रहा है, ब्लैक एंड वाइट शो नहीं हो रहा। आप सामने देख सकते हैं कि ये कलर शो कर रहा है, ब्लैक एंड वाइट शो नहीं कर रहा। तो ये इसका ड्यूअल नाइट विजन है जो कि कम करता है, ये इसका ड्यूअल नाइट विजन है। बाय डिफ़ॉल्ट आप इसको ऑटो पे रखें जो कि ज़्यादा बेहतर होता है। ऑटो का मतलब ये है कि जब ये अंधेरा होगा तो ब्लैक एंड वाइट पे शिफ्ट कर देगा, और जब इसके आगे कोई मूवमेंट होगी तो ये कलर नाइट विजन पे चला जाएगा। ये हो गए इसके फंक्शन। यहाँ से आप इसका प्लेबैक देख सकते हैं। प्लेबैक पे आप क्लिक करेंगे तो मैंने ये कह रहा है कि आप क्लाउड स्टोरेज लें। क्लाउड स्टोरेज मुझे लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको एसडी पे क्लिक करता हूँ। मैंने अभी इसमें एसडी कार्ड डाला है,
एसटी कार्ड डालने से आप ये दिखा सक देख सकते हैं कि नीचे जो है एक ऑरेंज कलर की लाइन शो कर रहा है। इस ऑरेंज कलर की लाइन का मतलब है कि क्या इस इतने हिस्से में रिकॉर्डिंग मौजूद है, और ये प्लेबैक आपको दिखा रहा है ये मैंने इसमें एसटी कार्ड इंसर्ट किया हुआ है। अब ये जो प्लेबैक का मेन्यू है, आप वीडियो देखते देखते ही स्क्रीनशॉट भी सेव कर सकते हैं, वीडियो देखते देखते ही उसमें से अगर कुछ पार्ट आप निकालना चाहते हैं वीडियो का तो यहाँ से वीडियो बना के उसको सेव भी कर सकते हैं, और इससे यहाँ से आप लाइव साउंड भी सुन सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ये डाउनलोड का बटन बना हुआ है, और ये इसकी डेट्स लिखी हुई हैं कि आप डेट सेलेक्ट कर सकें। ये इसका कैलेंडर है, कैलेंडर से आप मज़ीद आगे पीछे भी जाना चाहें तो जा सकते हैं। ये इसका प्लेबैक का मेन्यू हो गया, यहाँ से आप डाउनलोड प्लेबैक वीडियो पे क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके कैमरे की अपनी सेटिंग्स क्या क्या हैं। उसके लिए कैमरे की अपनी सेटिंग्स भी हैं, उसके लिए आपने ये थ्री डॉट मेन्यू पे क्लिक करना है और सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मोशन अलर्ट है, मोशन अलर्ट में काफ़ी सारी ऑप्शन हैं, मोशन डिटेक्शन, सेंसिटिविटी मीडियम है या लो है, अगर आप छोटे ऑब्जेक्ट के लिए भी लगाना चाहते हैं तो फिर सेंसिटिविटी हाई कर दें। मोशन ट्रैकिंग है, मोशन ट्रैकिंग मैं रिकमेंड नहीं करता, आप ऑन करना चाहें तो कर सकते हैं। मोशन डिटेक्शन पीरियड है, मोशन डिटेक्शन एरिया सेटिंग है, इसका मतलब होता है कि आप मोशन डिटेक्शन चाहते हैं कि सारे जगह पे न लगे, सिर्फ एक ऐसे दरवाजे पे लगे जहाँ से किसी का आना जाना हो तो ही आपको मोशन अलर्ट आए। तो बस फर्ज़ करें कि यहाँ पे इतने हिस्से पे दरवाज़ा है तो इतने हिस्से को मैं सेलेक्ट कर दूँगा और इसको बैक करूँगा तो ये सेव हो जाएगा। इसके अलावा सायरन सेटिंग है, सायरन सेटिंग में आप अपना सायरन स्विच ऑन करने के बाद अपनी मैनुअली ऑडियो भी रिकॉर्ड करके इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें PTZ कंट्रोल है, रिकॉर्डिंग सेटिंग है, रिकॉर्डिंग सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट अनइंटरप्टेड रिकॉर्डिंग पे होती है, इसका मतलब होता है कि ये सारा दिन रिकॉर्डिंग करता रहेगा। अगर आप इवेंट रिकॉर्डिंग पे रखेंगे तो इवेंट रिकॉर्डिंग पे रखने से ये सिर्फ मोशन के वक्त रिकॉर्ड करेगा, उससे आपके डेज बढ़ जाएंगे, डाटा आपका ज़्यादा दिन का सेव होगा। लेकिन अनइंटरप्टेड पे ही रखा जाए तो बेहतर, आपके यूज़ के हिसाब से डिपेंड करता है कि आपको कैसी इसकी सेटिंग्स चाहिए। ये होगी कैमरा की अपनी सेटिंग्स, मैंने आपको इसका नाइट विजन रिजल्ट भी दिखा दिया, इसको कनेक्ट करने के दो तरीके बता दिए, हॉटस्पॉट से कैसे कनेक्ट करना है और वाईफाई से कैसे पेयर करना है। आप इसको मोबाइल पावर बैंक पे चला सकते हैं जहाँ पे बिजली का इशू है, और अगर बिजली आपके पास है तो आप इसको 220 पे भी चला सकते हैं। तो जैसे ही कैमरे के आगे कोई मोशन आती होती है तो कैमरे में से साउंड की आवाज़ आती है और आपको मोबाइल पर मैसेज भी आ जाता है अगर आपने मोशन अलर्ट ऑन किया हुआ है तो। ये होगी आज की वीडियो, पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि दूसरों को भी इंफॉर्मेशन पहुंच सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।